नमस्कार, आपका स्वागत है अदिति न्यूज में। हम रुख करते हैं नरसिंहपुर जिले के गाटरबरा की ओर, जहां पर गाटरबरा में एक प्राइवेट स्कूल आदित्य पब्लिक के द्वारा मनमानी के कारण एक गरीब छात्र आज 4 साल से शिक्षा का अध्ययन करने से वंचित है। आपको बता दें कि गाटरबरा के भूपेंद्र कुमार मेहरा, जो कि आत्मश्री सत्यनारायण मेहरा राजेंद्र बाबू बाट गाटरबरा जिला नरसिंहपुर के निवासी हैं, इन्होंने बताया कि इनका पुत्र श्रीकृष्ण मेहरा, जो कि आदित्य पब्लिक स्कूल गाटरबरा में नर्सरी से शिक्षा अध्ययन कर रहा था। कक्षा 2 के अध्ययन के बाद बच्चे ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद और रिजल्ट खुलने के पहले ही महामारी कोविड की बीमारी शुरू हो गई, जिसके चलते लॉकडाउन लग गया और जिससे स्कूल, कॉलेज, दुकानें, प्रतिष्ठान सब बंद हो गए। लगातार मार्च 2020 से 2021 तक 2 वर्ष लॉकडाउन लगने के कारण इनका यह पुत्र कक्षा 3री व 4थी में स्कूल नहीं गया और न ही इनके पुत्र ने मोबाइल के माध्यम से कोई ऑनलाइन पढ़ाई की। लेकिन जब बच्चे के पिता ने सन 2022 में पुत्र की अंक सूची व टीसी लेने के लिए स्कूल में आवेदन दिया और मांग की, तो स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि पहले तुम 3 साल की फीस पूरी जमा करो 36,000 रूपये, तब जाकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के अंक सूची व टीसी दी जाएगी। इससे घबराए पिता परेशान रहे, जगह जगह आवेदन दिए, लेकिन उनकी कोई भी मांग नहीं सुनी गई। तब बच्चे के पिता ने कहा कि मेरे पुत्र ने आपके स्कूल में 2 क्लास की परीक्षा दी है, अतः आप जैसे तैसे करके मैं व्यवस्था कर लूंगा, 2 क्लास की फीस ले लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पुत्र ने आपके स्कूल में कोई शिक्षा अध्ययन नहीं की है, ना ही ऑनलाइन पढ़ाई की है, और मैंने यह ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए भी नहीं कराई क्योंकि मैं यह फीस देने में असमर्थ था, इसलिए कृपया मुझे 2 साल की फीस लेकर मुझे टीसी देने और प्रमाण पत्र देने की अंक सूची देने का कष्ट करें। लेकिन स्कूल वाले फीस पर अड़े रहे और पिता की एक भी बात नहीं सुनी, ना ही उसको अंक सूची दी और ना ही टीसी दी, जिसके कारण आज एक गरीब मजदूर का बालक स्कूल में शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पा रहा है और वह पढ़ाई से वंचित है। इतना ही नहीं बल्कि गाटरबरा के आदित्य पब्लिक स्कूल के संचालक ने उस बच्चे को शिक्षा अध्ययन करने से भी रोक दिया और उन्होंने स्कूल में भी पढ़ाई करने के लिए नहीं आने दिया। इसके बावजूद भी एक लाचार पिता, बेबस पिता, गरीब पिता स्कूल में गया और उसने कहा कि आप मेरे बच्चे को कृपया स्कूल में शिक्षा तो अध्ययन करने दें, जैसे तैसे मैं करके आपको 2 साल की या थोड़े थोड़े करके फीस दे दूंगा, पुरानी या नई जो भी फीस है आपको मैं थोड़े थोड़े करके किसी से कर्जा लेकर आपको फीस दे दूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को क्लास में बैठने दें, पढ़ाई करने दें। तो इन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि आप पूरी फीस नहीं देते हैं तब तक आपके बच्चे को ना तो क्लास में बैठने दिया जाएगा, ना ही आपको अंक सूची और टीसी दी जाएगी। इस तरह आदित्य पब्लिक स्कूल के संचालक ने उस गरीब बच्चे को क्लास में भी नहीं बैठने दिया, जबकि बच्चे के पिता ने स्कूल की संचालिका मीरा मेहरा से मिलकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर विनती कर या निवेदन किया था कि आप मेरे बच्चे के भविष्य को खराब न करें, मैं अत्यधिक गरीब परिवार से हूं, मैं मजदूर हूं, कर्ज में मेरा घर बिक गया है और मैं बेघर हूं, मेरे पास कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर है कि मजदूरी कर किसी से उधार लेकर थोड़े थोड़े करके आपकी फीस दे दूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को क्लास में बैठने दें, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उसको पढ़ाई करने दें। लेकिन स्कूल वालों की मनमानी के चलते आज भी उस बच्चे को न टीसी दी गई है, ना ही उसे स्कूल में बैठने दिया, और टीसी और प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उस बच्चे का आज दूसरे स्कूल में भी दाखिला नहीं हो पाया, जिसके चलते आज यह बालक 4 साल से शिक्षा का अध्ययन करने से वंचित है, उसका भविष्य गर्त में जा रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर अड़ा है। एक गरीब और लाचार बेबस पिता ने अपने बच्चे की पढ़ाई की आस नहीं छोड़ी और कहानी अभी यही नहीं रुकी, वह पढ़ाने की आस में पिता फिर एक बार 2023 में आदित्य पब्लिक स्कूल में गया और अपनी लाचारी की पूरी कहानी उसने स्कूल संचालकों को बताई कि इस बच्चे की पढ़ाई की टेंशन के चलते मेरी पत्नी को हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है, अटैक आ गया है, मैं उसका इलाज नहीं कर पा रहा हूं, जैसे तैसे मेरे पास जो आय का साधन था ऑटो था, मैंने उस ऑटो को बेचकर भी
इसका इलाज कराया लेकिन उससे भी इलाज अभी अधूरा है। वह हार्ट अटैक की पेशेंट बन गई है, मरते मरते से बची है। मैं इतनी आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे तैसे मेरे बच्चे को आप स्कूल में पढ़ा दीजिए या फिर मुझे टीसी दे दीजिए, मेरी मार्कशीट दे दीजिए, मैं दूसरे स्कूल में उस बच्चे का दाखिला करा दूं, उसका भविष्य खराब ना हो। लेकिन स्कूल संचालकों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और नया एस्टीमेट उस गरीब पिता के हाथ में 49,240 रुपए का थमा दिया और कहा कि आप तभी टीसी मिलेगी आपको जब आप इतना पैसा जमा कर देंगे। वह बेचारा गरीब सोच में पड़ गया और परेशान हो गया कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा, कैसे जमा कर पाएगा। इस चिंता में वह परेशान है और दर दर ठोकरें खा रहा था। यह शिकायत लेकर वह गली गली घूम रहा था लेकिन उसकी इस समस्या का निदान कहीं नहीं हो रहा था। जब यह बात आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष महिला शक्ति जिला अध्यक्ष रीना नमानिया को लगी तो उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी और बताया कि आप चिंता ना करें, हम शीघ्र ही जिला स्तरीय अधिकारियों से मिलकर आपके बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे। और इसको लेकर वो उस परिजन और उस बच्चे को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की, आवेदन दिया, निवेदन दिया कि इस बच्चे का भविष्य गर्त में न जाए, इसको टीसी मिल जाए, अंकसूची मिल जाए जिससे कि इसको दूसरे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल जाए और वह शिक्षा प्राप्त कर सके जिससे उस गरीब बच्चे का भविष्य का निर्माण भी हो सके। वहीं इस पूरे मामले में जब आम आदमी पार्टी की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की, निवेदन किया तो उन्होंने भी इस विषय को गंभीरता पूर्वक सुना और यह आश्वासन भी दिया कि शीघ्र इस बच्चे को टीसी दिलवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। आगे देखना यह है कि खबर के बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारी कब तक उसकी टीसी और प्रमाण पत्र दिलवाकर उसको सरकारी स्कूल में दाखिला दिला पाते हैं या नहीं। वहीं उस प्राइवेट स्कूल आदित्य पब्लिक स्कूल की मनमानी पर अंकुश लगा पाते हैं या नहीं, यह आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है एक गरीब बेबस और लाचार पिता की जुबानी, स्कूल के मनमाने की पूरी कहानी। और आपने देखो मैं माधो जी, मेरा ये बच्चा सेकंड क्लास की एग्जाम दिया था इसने, और एग्जाम देने के बाद में क्या लॉकडाउन लग जाने के कारण फिर इनको अनुसूची भी प्राप्त नहीं हो पाई है और ना हम फीस दे पा रहे हैं। तीन वर्षों से बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, चौथा साल लग गया है। हमने मांग की उनसे जाके कि हमारे बच्चे को टीसी दी जाए और अनुसूची प्रदान की जाए जिससे कि हम दूसरे स्कूल में उनका सरकारी स्कूलों में नाम लिखा सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप पूरी फीस नहीं देंगे तब तक हम आपके बच्चे को ना टीसी देंगे ना अनुसूची देंगे। कौन से स्कूल का मामला है? ये गाडवाड़ा रेलवे स्टेशन पे पड़ता है आदित्य पब्लिक स्कूल, वहाँ का। नहीं अभी तक हमने बात नहीं की लेकिन मैडम के पास हम गए थे, मैडम नहीं मिली। अभी हमने पिछले मंगलवार में एनडीएम मैडम को आवेदन दिया था लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब जो नई मैडम आई हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे को फीस माफ़ की जाए शासन प्रशासन से, जो भी मदद हो या क्या नाम स्कूल के माध्यम से करवाई जाए। क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार मेहरा। हमने आवेदन दिया था आम आदमी पार्टी को दिया था। फर्स्ट में नर्सरी कृष्ण मेहरा। कहाँ रहते हो? गाडरवारा स्टेशन रहते हैं। हाँ तो फीस के कारण। अच्छा डायरेक्टर मैडम। नाम है? आदित्य पब्लिक स्कूल। जब तक पूरी फीस नहीं दोगे तब तक टीसी नहीं मिलेगी। हाँ क्या चाहते हो आगे? टीसी प्रदान की जाए। दूसरे स्कूल में हम पढ़ना चाहते हैं जिससे कलेक्टर मैडम हमारी टीसी प्रदान करें। कलेक्टर मैडम टीसी प्रदान करने की कृपा करें।
से संबंधित भी है, एक आदित्य पब्लिक स्कूल है गाडरवारा में। तो एक बच्चे के साथ क्या है, वहाँ पे 4 साल से मांग कर रहे हैं पेरेंट्स उनके कि हमारे बच्चे की फीस माफ़ कर दी जाए। कुछ कारणवश क्या है, कोरोना काल में इनके परिवार की परिस्थितियाँ कुछ बदल गई थी, तो इसके चलते वो फीस देने में असमर्थ हो गया। उन्होंने स्कूल में भी मांग करी, प्रशासन में भी गए थे, लेकिन वहाँ मैडम ना मिली थी, उसके कारण कार्रवाई नहीं करवाई गई। और वहाँ बार बार मांग करने से कि मैडम आप हमारे बच्चे के भविष्य में ख़राब मत कीजिए, इनकी TC दे दीजिए, मैडम हर साल, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल बच्चे गए नहीं हैं, उसके बावजूद ही प्राइवेट स्कूलों के द्वारा इन पे दबाव बना जा रहा है, आपको पूरी फीस देना पड़ेगा तब हम TC देंगे। आज बच्चा मतलब 4 साल से घर में बैठा हुआ है ना, शिक्षा के चलते अभाव में है, अभी शिक्षा का स्कूल में कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा TC ना मिलने के कारण। तो मैडम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, कई बार जाके पर्सनली मिले भी कि मैडम आप इनकी TC दे दीजिए, जो भी है थोड़ा बहुत आप समझौता कर लीजिए। मैडम ने 50,000 की फ़ीस कर दी, हर साल बच्चा जा रहे नहीं है स्कूल में, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा के कारण अभाव में है बच्चा। क्या नाम है आपका? रीना लामानिया, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष।